जो शख्स ये दो नमाजें अदा करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सैयदना हजरत अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल बर्दैनी दखलल जन्ना, जो शख्स दो ठंडे वक्त की नमाजें यानी नमाज फजर और नमाज असर अदा करेगा, इनकी पाबंदी करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। मुआज़्ज़ज़ सामईन, इन दो नमाजों की अहमियत इसलिए भी अहम है क्योंकि इन दो वक्तों में फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है। जो इंसान के पास होते हैं वो अल्लाह के पास जाते हैं, जो अल्लाह के पास होते हैं वो इंसान के पास आते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ के आए। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, जब हम तेरे बंदे के पास पहुँचे वो नमाज अदा कर रहा था, जब हम वहां से तेरे पास आए तो वो नमाज पढ़ रहा था। तो अल्लाह पाक सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद अपने फरिश्तों को गवाह बनाता है कि मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज असर जानबूझ के छोड़ दी तो उसका घर, उसके अहल वयाल, उसका माल तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पांच वक्त का नमाजी बनाए और खास तौर पे नमाज फजर और आसर की पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुआज़्ज़ज़ सामईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन को सुनकर आगे जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।